रमशा बीबी, आपसे मिलने एक खातून आई है। खातून? हाँ, हो सकता है मेरी एकेडमी की टीचर आई हूँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी, आपने बुलाया। मेरी बच्ची, इतना सब कुछ हो गया, भाभी हमसे जुदा हो गई। तुमने हमें एक फोन तक नहीं किया। अभी इन्होंने बताया कि भाभी चली गई। इतना सब कुछ तुमने अकेले कैसे बर्दाश्त कर लिया? पहले पहले साजिद भाई चले गए, भाभी कम से कम हमें एक फोन करके बताती तो सही ना। हाँ, बताती तो सही। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा तुम्हारी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई और है नहीं। इसने कभी हमें अपना समझा ही कहा? तो आज इत्तेफाक से इसे मैंने यहां देख लिया और अम्मी को यहां ले आया इससे मिलवाने के लिए। Excuse me, I think I'll get home. तो हमें कभी पता ही नहीं चलना था। लेकिन हमें यह लगा कि यह लावारिस है। इसलिए हम खुदा खौफी में इसे अपने घर लेकर आ गए। झूठ क्यों बोला तुमने? यहाँ पे तो तुम्हारा पूरा खानदान मौजूद है। चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलोगी? जब तुम्हारे पास तुम्हारा घर था तो फिर गैरों में आके बसने की क्या जरूरत थी? क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो।
हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड होल्ड करें प्लीज। तुम समय भी बात करती हूँ। बोल बेटा, ये सब क्या है, यहाँ क्यों रह रही है? बोल। चाची, वो आप मेरे साथ मेरे कमरे में चले, मैं आपको सब बताती हूँ कि यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं। आप प्लीज चले मेरे साथ, चल। एक मिनट, तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ। मामा, ये रमशा के साथ औरत कौन है? कोई नई मुलाजिम रखी है क्या? मैं तो कहती हूँ इस घर में ऑलरेडी इतने मुलाजिम हैं, इस रमशा से ही कोई काम करवाएं। सारा दिन पढ़ाई के बहाने अपने कमरे में पड़ी रहती है। वो रमशा की मुलाजमा नहीं, उसकी चाची है। क्या, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, तुम जरा भाईजान को फोन मिलाओ और उनसे कहो कि फौरन घर आए। बल्कि अफनान को भी फोन करो और उसको कहो कि वो भी घर पहुंचे, मुझे उन दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। दोनों बाप बेटों ने तो इस लड़की को सर पर चढ़ा दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की यकीन के काबिल ही नहीं है। तुमने देखा है किस कदर सफाई से झूठ बोलती है ये? लेकिन तुम्हारे मामूजान तो मेरी सुनते ही नहीं है। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? अब इसकी चाची कहां से आ गई है? तुम सारी बातें छोड़ो और अभी भाईजान को फोन मिलाओ। फिर मैं तुम्हें बताती हूं कि क्या करना है। हेलो मामूजान, मेरी बात कराओ, मैं खुद बात करती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप जरा घर आ जाइए प्लीज। जी, कुछ परेशानी है, आप घर आएंगे तो तफसीली बात होगी, मैं फोन पे नहीं कर सकती।